देखिए, ना सिर्फ हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जो चीज़ें हम लोग आपको अपडेट दे रहे हैं उसके लिए हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं देख लें। इतनी ठंड में हम लोग फर्श पे बैठे हुए हैं, मेरे भाई साहब जो है वो गिम्बल पे अपना फ़ोन सेट कर रहे हैं कि आपको ज़रा साइड के जो व्यूज़ है ना वो दिखा सकें। और शक्ल मेरी बड़ी कोजी हुई हुई है कसम से, बाल मेरे ना ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या बना हुआ है बालों का मेरे। अच्छा जी, इसका अब पानी चेक कर लगे, भाई उठ गए हैं। हमारा प्लान कितने बजे का था भाई? भाई प्लान हमारा बड़ा अर्ली था, लेकिन वो धुंध की वजह से हम लोग वो प्लान को हम लोग जहाँ पे जाना चाह रहे हैं ना वहाँ के लिए घर में ही 11 बजे आ चुके हैं हम लोग, और अब निकली है धूप और धुंध इतनी ज़्यादा थी। सुबह मैं इसके घर आया ना तो सारा गीला हो गया था, यहाँ 2-2.5 किलोमीटर का फासला है। अभी हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, जांबाज ने ना एक नया सिक्योरिटी गार्ड खरीदा अपने लिए, बड़ा ही प्यारा सा और क्यूट सा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है जी। तकरीबन कोई 12:30 का टाइम है और अब हम लोग फैसलाबाद से निकले हैं किनार रोड पे। उमर साहब ड्राइवर सीट पे हैं, यहाँ पे मैं जिशान रोकड़ी का बहुत ही सस्ता वर्जन बना हुआ, मेरे बालों का ज़रा हाल देखें, क्योंकि रात को 12-1 बजे का प्लान था और नहा के सो गया, मोटरवे बंद थी तो ऐसे निकला है, सारे ऐसे निकले हैं। पीछे जैन भाई बैठे हैं, उनका भी यही हाल है। ये सारी लाइनें लगी हैं, खुशकिस्मती ये है कि मोटरवे थोड़ी सी उन्होंने खुल दी है, लेकिन रात की गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो 12 बजे का टाइम हो गया, वो व्लॉगर मैं व्लॉगर हम लोग खप रहे हैं सारे, और यार मोटरवे खुलवा दो, 12 बज गए, इतने बड़े बंदे हो आप। हाल ही कोई नहीं भाई, 12 बज गए हैं। पिंडई भट्टिया वाले टूल प्लाजा में हम लोग अब पहुंचे हैं और 1 बजे का टाइम है। अभी जितना मोटरवे पे रश था ना मोटरवे बंद होने की वजह से, उतना ही ज्यादा टूल प्लाजा पे भी रश है। हम लोग सियाल मोड़ में पहुंचे अभी और यहाँ पे ये सीन हुआ है कि पता नहीं गाड़ी एक्सचेंज करने लगे हैं क्या करने लगे हैं, पर आल्टो पे आए हैं, 140 तो नहीं 135 का मोड़ मारा है। ये भी हमारे व्लॉगर भाई हैं। अच्छा, और इस पे ये है कि गाड़ी अभी भी 17 तक से भी ज़्यादा का एवरेज दे रही है। खाना किसी बंदे ने नहीं खाया, रात के भूखे हैं, अभी कहीं पता नहीं कहाँ रुक के खाना खाते हैं। ले जी, हम लोग मैदानी इलाकों को छोड़ के पहाड़ी इलाकों की तरफ आ गए हैं और सफ़र, उम्र कितना हो गया सफ़र हमारा? About 200 किलोमीटर 200 गाड़ी चल गई है। और ये सॉल्ट रेंज बड़ा खूबसूरत हमारा यहाँ पे पाकिस्तान का एक है, और ये सारा जो है ना ये खेड़ा सॉल्ट रेंज, दुनिया की सबसे बड़ी जो सॉल्ट रेंज है वही वाली है, पाकिस्तानी तो हम लोग सारे जानते हैं इसको, लेकिन ये चढ़ाई वाला सीन भी बड़ा प्यारा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, तो बड़ा प्यारा यहाँ पे सीन बनता है। ये सारा तकरीबन 12 किलोमीटर का, 10-12 किलोमीटर का ना ट्रैक है। यहाँ पे हम लोग अभी पहुँचे हैं और 2 बज गए, पूरे 2 बज गए, और दिन कैसे शुरू हुआ कैसे ख़त्म हो रहा है पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि एक तो मौसम ऐसा है, पीछे वाली साइड पे तो बहुत ही ज़्यादा मसला बना हुआ था। ये भाई सुबह के ड्राइवर बने हुए हैं और अब थक के इनका ये हाल हो गया है। सैन भाई ने तो गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि वो कहते हैं मुझे और ये हमारे ड्राइवर हैं, ये मेरे ड्राइवर हैं, ये पठान भाई आप देख रहे हैं। तो हम लोग इस्लामाबाद क्रॉस कर गए हैं। एक्चुअल में प्लान था मरी का, लेकिन 4 बंदे एक साइड पर थे, मैं अकेला एक साइड पर था, तो यहाँ पे ना सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुके हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा सीन है यार, शाम का टाइम है, सूरज ढल रहा है, और ये ज़रा सीन चेक करें, आय हाय हाय हाय। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि खेल रहे हैं, ये देखें ज़रा वॉलीबॉल की गेम हो रही है यहाँ पे, ट्रैवल व्लॉग का यही मज़ा है। और ये सीनरी जो है बड़ी खूबसूरत है, और ये हमारी शहजादी है, गाड़ी हमने पकड़ ली है जी आल्टो के साथ है जी कल्टस, और आल्टो ने क्या मज़ा दिया। अभी मैं पीछे इसके लेटा हुआ था क्योंकि हम लोग बंदे थोड़े, सीन बड़ा प्यारा है यहाँ पे, बिहाइंड दी सीन हो रहा है, वो लोग अपना व्लॉग बना रहे हैं। तो ये हमारी गाड़ी एक और हमें ज्वाइन कर चुकी है, ये भी कल्टस है और ये VXL AGS है, और ये अब इस तरह का कोई सीन हमारा बन गया है। लेकिन ये है कि मोटरवे पे आज जो सीन है ना इस्लामाबाद, ये पेशावर मोटरवे वाला बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। ले जी, 6 बजे का टाइम है और हम लोग इस वक्त पहुँचे हैं एबटाबाद, और एबटाबाद हम लोग उतरे नहीं हैं, हम लोग एबटाबाद से मोटरवे पे अभी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवा रहे हैं, पीछे गाड़ियां हैं, और मनसेरा अभी यहां से तकरीबन 14 किलोमीटर रह गया है, अभी देखते हैं कहां तक जाते हैं, अभी कंटिन्यूली चल रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे, सुबह मोटरवे बंद थी, 12:30 बजे के करीब तो मोटरवे खुली थी। यहाँ पर एक स्टोर पर हम लोग आए यार, बड़ा ही साफ, मतलब इतना सफाई और वेल मैनेज है ना चीज़ें, मतलब जहाँ पर ये चीज़ें रखी हम लोग चाय कॉफ़ी वगैरह आप ले रहे हैं, कुछ सर्दी ज़्यादा है तो ये देखें ज़रा यहाँ पर जो चीज़ें हैं। और ये मनसेरा एंड बिल्कुल मानसरा के हम लोग पास पहुंचने वाले हैं, गाड़ियों का सामान है यहाँ पे, इसके अलावा खाने पीने के चिप्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बच्चों के भी यहाँ पे बियर्स, टेडी बियर्स सारी चीज़ें। लेकिन जिस तरह मैं नहीं जाना, मैं वो चीज़ देख के बड़ा हैरान हूँ कि यार मतलब साफ़ सुथरा माहौल है, तो ये चीज़ मुझे बड़ी आज अच्छी लगी, इम्प्रेस किया इसने। अभी हम लोग पहुँचे हैं जी थाकोट,
पता नहीं कौन सा इलाका है, 516 किलोमीटर गाड़ी चल गई है टोटल घर से जहाँ से निकले थे। और अभी हम लोग पहुँचे हैं खाना खाने के लिए यहाँ पे। प्रोग्राम तो यही कि इधर ही कहीं स्टे कर लें, यहाँ आगे थोड़ा सा रास्ता है क्योंकि रास्ता भी अब मसला कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखें ना तो ये रोड जो है ना कोई समझ नहीं आता इसका। तो अभी हम लोग इधर कुछ खाना खाने निकले हैं यहाँ पे कि खाना खा लें, कुछ थोड़ा सा ज़रा पेट पूजा हो जाए। वैसे भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी, सड़क बड़ी अजीब सी थी। पीछे रोड बड़ा बेहतरीन, लेकिन अभी रोड जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा गड़बड़ाहट कर रहा है। प्रोग्राम हमारा ये है कि हम शाम पहुँच जाएँ, लेकिन देखते हैं अभी 8 बज गए रात के। अब माशाल्लाह नाश्ता तो हमने बड़ा ही ज़बरदस्त, नाश्ता तो नहीं रात का खाना हमने बहुत ही अच्छा। चपली कबाब है हमारे साथ, अफगानी पुलाव है, और इधर का खाने वाला होता है असली अफगानी पुलाव, यहाँ पे मिलता है पुलाव कबाब जो है। मैं तो खाऊंगा कबाब, इन्होंने मंगवाए हैं अपने लिए पुलाव, लेकिन मैं जो है वो कबाब ही खाऊँगा। ले जी, अब हम लोग बशाम क्रॉस करके ना तो हमारा स्टे है दासू का बना हुआ है। आल्टो आगे जा रही है, हम लोग पीछे कल्टस में बैठे हुए हैं। और मेरी सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि मुझे वॉमिटिंग वाली फीलिंग शुरू हो गई थी। तो अभी रात के 10 बज गए हैं और हम लोग ना वो जो गैप है ना सुबह 12:30 वाला उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये कि दासू जाके हमने स्टे ले लेना क्योंकि अभी भी गिलगित जो है वो कम से कम भी यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है। और लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहिए, हमने तो ले लिया है क्योंकि हम थोड़ी सी ज़रा जज्बाती हो गए हैं, लेकिन इस तरह का काम जो है वो रिस्की होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दासू पहुंच गए हैं जी, और निकले थे हम लोग इस्लामाबाद के लिए, और इस्लामाबाद से हम लोग जाना चाह रहे थे मरी तक का प्लान था, लेकिन हम लोग दासू पहुंच गए हैं। और अब हमारा अगला स्टॉप जो है वो पहले बिशाम का था, बिशाम नहीं रुके, बिशाम से निकलते निकलते दासू आ गए। अब दासू से हमने सुबह गिलगित पहुँचना है, और ये प्लान जो है चलता चलता आगे चला गया। गाड़ी ऑल्टो थी तो मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होने लगी, फिर ऑल्टो से निकल के मैं हम लोग कल्टस में शिफ्ट हुए, तो वो उसकी ज़रा राइड क्वालिटी से काफ़ी बेहतर है, उसमें मैं ज़रा बेहतर हो गया। फिर इसको अगर लगा लिया यहाँ पे, और ये होटल हमने लिया है रेंट पे, यहाँ पे बेसमेंट में नीचे जाना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी सीनरी अब नहीं आएगी नज़र, लेकिन यहाँ अपना दरिया है इस तरफ, तो ये नीचे सारे खाई है, यहाँ पर दरिया है, पहाड़ है ऊपर, ऊपर से हम लोग ना नीचे आए हैं यहाँ पर। तो ये दरिया है, ये मैं आपको सुबह दिखाऊँगा, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम भी हो रहा है और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, आवाज़ आ रही है साफ़, लेकिन सुबह मैं आपको दिखाऊंगा, अभी नज़र नहीं आ रहा। ये आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। 12 घंटे का हमारा सफ़र है, तकरीबन 12 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइव की है, जो कि एक अकलमंदाना फैसला नहीं है। नॉन स्टॉप नहीं मतलब स्टॉप 2-3 जगहों पे हम लोग रुक के गए हैं, लेकिन ये है कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। लेकिन मशवरा यही है कि पहले रुक जाएँ, मज़ीद इसके बारे में अपडेट दूँगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।